गुड इवनिंग पिला माने आजर अध्याय रे समस्तनकु स्वागत आज हम पढिबा ख जोटा होची भारत रो निर्वाचन आयोग भारत रे किपर निर्वाचन आयोग गठित होय एवं तार प्रचलन किपर करा जाय सेई विषय आज हम पढिबा आमो देश रे निर्वाचन परिचालन रे निर्वाचन आयोग रो मुख्य भूमिका रहिची यहा एक संविधान स्वीकृत स्वयंशासित संस्था देश रे मुक्त अबाध तथा स्वच्छ निर्मल निर्वाचन संपादन करबा पई एही संस्था को समस्त प्रकार राजनैतिक व्यवस्थापिका कार्यपालिका चापरु ऊर्ध्वरे रखा जायछि एहाकु अनेक संवैधानिक क्षमता प्रदान करा जायछि एहार कार्यालय नुवा दिल्ली रे रहि अछि बुझि पाइलो निर्वाचन आयोग रो मुख्य कार्य कोन सेटा किमिति गठन होइतला देखो आम संविधान रो 324 धारा रे एक 3 सदस्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग रो गठन संपर्क रे सूचना प्रदान करा जायछि संप्रति एही आयोग रे जने मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य दुई जन निर्वाचन आयुक्त अछंती सेमानंकु भारत रो राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करंती निर्वाचन आयोग रे केते जन आयुक्त रहिबे से संक्रांत रे राष्ट्रपति निष्पत्ति नै थांती 1999 मसीहा रे परठारु निर्वाचन आयोग रे जने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ दुई जन निर्वाचन आयुक्तंकु नियुक्ति दिया जायछि एहा पूर्वरु निर्वाचन आयोग रे केवल जने मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहुथिले एमाने साधारणतः 6 वर्ष पई नियुक्ति पाइथांती एही पदवी रे जने आयुक्त 6 वर्ष पई बा सर्वाधिक 65 वर्ष वयस्क थिबा पर्यंत कार्य करि परिबे सर्वोच्च न्यायालय रो जने विचारपति जेउ कारणरु पदच्युत हिथांती सही कारण रु संसद रा प्रत्येक सदन रो स्वतंत्र संख्या गरिष्ठता सांसदंक समर्थन रे मुख्य निर्वाचन आयुक्तंकर पदच्युत करा जाई पारिबे बा पदच्युत हे पारिबे बुझ पाइलो कोन कहला सर्वोच्च न्यायालय रो जने विचारपति जेउ कारण रु पदच्युत होइथांती सही कारण रु संसद रा प्रत्येक सदन रो स्वतंत्र संख्या गरिष्ठ सांसदंक समर्थन रे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदच्युत होई परिबे मुख्यतः प्रामाणिक असदाचरण ओ शारीरिक असमर्थ्य कारण रो मुख्य आयुक्तंकु पदच्युत करा जाय थाए निर्वाचन आयोग रो अन्य आयुक्तंक आयुक्त द्वय मुख्य आयुक्तंक बिना अनुमोदन रे राष्ट्रपतिंक द्वारा पदच्युत हेबे नाही बुझ पाइलो निर्वाचन आयोग रो अन्य आयुक्त द्वय मुख्य आयुक्तंक बिना अनुमोदन रे राष्ट्रपतिंक द्वारा पदच्युत हेबे नाही निर्वाचन आयोग रो आयुक्तंक कार्यकाल ओ कार्य शर्तावली इत्यादि संसदीय आयन द्वारा स्थिरीकृत होइथाय बुझ पाइलो ती जनस वर्तमान निर्वाचन आयोग रो क्षमता ओ कार्यावली विषय जानिबा भारतीय संविधान रो धारा 324 रु धारा 328 मध्ये रे निर्वाचन आयोग रो क्षमता ओ कार्यावली संपर्क रे सूचना प्रदान करा जायछि निर्वाचन आयोग रो क्षमता गुडी को कोन कोन एबे देखो प्रथमत निर्वाचन आयोग भारत संसद और राज्य विधान मंडल निर्वाचन पाई प्रत्येक निर्वाचन मंडली रो मतदाता और भूतदातांक नाम तालिका प्रस्तुत करे और सेथिरे आवश्यक संशोधन करिथाय दुई नंबर रे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदवी पाई निर्वाचन एवं संसद और राज्य विधान मंडल रो निर्वाचन संबंधी समस्त विषय रो तत्वावधान परिचालना दायित्व और नियंत्रण क्षमता निर्वाचन आयोग उपरे नियस्त होइथाय तीन नंबर पॉइंट कहूँ निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधान मंडल सदस्यों अयोग्यता संपर्क में यथाक्रमे राष्ट्रपति और संपृक्त राज्य राज्यपाल को परामर्श दे थाए चार नंबर पॉइंट कहूँ मतदाता मानू मतदाता निर्वाचन फोटो परिचय पत्र निर्वाचन आयोग प्रदान करिथाय पांच नंबर पॉइंट कौन कहूँ निर्वाचन आयोग निर्वाचन तारीख और तत्संपर्कित कार्यसूची विषय में विज्ञप्ति जारी करिथाए छ नंबर पॉइंट कौन कहूँ राजनैतिक दल मानू निर्वाचन संकेत और दलय स्वीकृति प्रदान निर्वाचन आयोग द्वारा करते नंबर पॉइंट कौन कहूँ निर्वाचन समय रे निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन मंडली पाई तीन जन पर्यवेक्षक और जड़े लेखाएं रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करते नंबर पॉइंट कौन कहूँ निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया चलता समय रे आदर्श आचरण विधि लागू करती एही आचरण विधि भंग करुवा प्रार्थी को विहित दंड विधान निर्वाचन आयोग करती आठ नंबर पॉइंट कौन कौन विभिन्न राजनैतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी रे निर्वाचन प्रचार सुजोग देवाई समय सीमा
ଦିନ ଓ ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିନପାରିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯିଏ କରୁଥାଏ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ବି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ ତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୀମା, କେତେ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବ ସେଟା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ତାର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଦେଶର ଭୂମିକା ଦେଶରେ କିପରି କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଗ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।